दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि हमने जो फेसबुक पर अकाउंट बनाया होता है वो हमें यूज़ नहीं करना होता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप अपने फेसबुक पर अकाउंट जो बनाया उसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो उसके लिए दोस्तों, आपको अपने जिस भी अकाउंट को आप डिलीट करना चाहते हैं उस अकाउंट को आपको पहले फेसबुक पर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको राइट साइड में थ्री लाइन का ऑप्शन मिलता है, उस थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग एंड प्राइवेसी का, उस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको ऊपर एक और ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, उस सेटिंग वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों, आपको नीचे आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, उस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों, आप क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। तो यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन मिलता है डी एक्टिवेशन एंड डिलीशन, उस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे दोस्तों हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको, आप चाहे तो आपका अकाउंट थोड़े टाइम के लिए डीएक्टिवेट कर सकते हैं, तो आपको ऊपर वाले पर क्लिक करना है। अगर आप आपका जो फेसबुक अकाउंट है हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो आप नीचे वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे जहाँ पर लिखा है डिलीट अकाउंट। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू एंड डिलीशन वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरनल नज़र आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको वापस यहाँ पर कंटिन्यू अकाउंट डिलीशन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों, आपको एक ऑप्शन और मिलता है डिलीट अकाउंट, उस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जो भी अकाउंट आप डिलीट कर रहे हैं उसका प्रोफाइल फ़ोटो और उसका नाम आ जाएगा। तो आप जिस भी नंबर पर आपने अकाउंट बनाया उसका जो पासवर्ड है यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपको याद रहे कि आपका पासवर्ड आपको याद होना ज़रूरी है। तो आपको जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर डाला है उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे बटन मिलता है कंटिन्यू का, उस कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों हमने डिलीट अकाउंट पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारा जो फेसबुक आईडी था वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा आईडी था वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया। अगर हम इसे लॉगिन करते हैं अभी तो हमारा जो अकाउंट था वो वापस ऑन हो जाएगा। हमें यहाँ पर 30 दिन के लिए हमारे अकाउंट को लॉगिन नहीं करना। तो इस तरह से आप किसी भी फेसबुक आईडी को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।